गाइस वेलकम बैक माय चैनल, मैं हूँ प्रिया। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ स्टेप कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्लाइंट को कपड़ा पहनाना है कटिंग वाला इस तरह, और सारे बाल पीछे कर लेने हैं और उनके इस तरह शावर तक गीले करने हैं। आई एम सॉरी, वीडियो में जो नॉइस आ रहा है उसके लिए प्लीज़ आप भी उसे इग्नोर करें। उसके बाद हमें बालों को ऐसे हाफ हाफ डिवाइड कर लेने हैं और ये बाल ऊपर की साइड ऐसे बैंड कर लेने हैं। इसके बाद हमें बिल्कुल बीचों बीच में से बाल पार्टिसिपेट करके इस तरह लेने हैं और एक पतली सी लेयर बना लेनी है कुछ इस तरह। और हमें लेंथ भाई कस्टमर को क्या है, लेंथ ज़्यादा रखनी है तो उस हिसाब से मुझे बहुत कम कट करना है, तो मैं फिलहाल अभी कट कम करके दिखाती हूँ आपको। ये हमें इस तरह तिरछा काट लेना है। स्ट्रेट लेने पीछे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से ये देखिए ऐसे लेयर बनाकर हाथों में थोड़ा ऐसे बंद करके और इस तरह ऊपर की तरफ। हमें जो लेनी है वो छोटी छोटी लेयर लेनी है इस तरह। लेयर तो ठीक है, बाकी आधे छोड़ने आधे कट करने से बाल छूट रहे ना। ये नीचे के राउंड इस तरह कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो बैंड किए हुए बाल है उनको एक बार खोल लेना है इस तरह। और उनमें से एक इस तरह लेयर निकाल के बाकी जो बाल है इस तरह बैंड कर लेंगे। यहाँ हमें नीचे की जो लेयर गाइडलाइन का काम करेगी हमें इस तरह लेयर को सुलझा लेना है और नीचे हमें पहले से जो कट लेयर है उसी के बराबर तिरछा काट लेना है। ठीक उसी तरह हमें अगली लेयर को भी ठीक से अच्छे से सुलझा कर और गाइडलाइन को के बराबर लेते हुए तिरछा कट कर लेना है। ये देखिए गाइस, यही प्रोसेस हमें पूरी कटिंग में करना है।
स्टेप बाय स्टेप इस तरह लेकर नीचे गाइडलाइन के बराबर बाल हमें तिरछे काटने हैं। आप चाहे तो ये तिरछाई थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कम दे रही हूँ तिरछाई को, इसलिए कि जिनके मैं बाल काट रही हूँ उनको ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए, उनको केवल स्टेप कम चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं इस कटिंग को कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, आप पूरी कटिंग से बाल निकालिए और इस तरह तिरछा कट करना है आपको। जब हमारा ये नीचे का राउंड कंप्लीट हो जाए तो छोटी जो लेयर हमारी ऊपर बैंड की हुई थी उसे हम वापस ला के और उलझा लेते हैं और उसके अंदर भी हम ऐसे पतली पतली लेयर बना लेते हैं उन्हें इस तरह सुलझा के, और हमें पहले से जो गाइडलाइन है उसी के बराबर एक्स्ट्रा बाल कट कर लेने हैं। देखिए गाइस, हमें जहाँ एक्स्ट्रा बाल दिखे वहाँ हमें ये कट तो बड़ा बड़ा दे रहा है भाई। अब हमें ये जो कट देनी है ये हमें ऊपर ऊपर के बाल उठाकर ही देनी है। ये देखिए, मैं इनको पूरी नीचे तक नहीं ले रही हूँ, केवल ऊपर से ही बाल ले रही हूँ इस तरह से। तो आप भी ऐसे लेके इन्हें ट्राई जरूर करना और इस तरह कट कर देनी है। गाइस, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज़ मेरी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो ही अपलोड होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में इसे लाइक ज़रूर कर देना। और आप कटिंग में प्रॉपर ध्यान देते रहे, क्योंकि ये जो स्टेप कटिंग है इसको काटने से पहले लगभग सभी थोड़ा सस्पेंस में आ जाते हैं कि कैसी कटे कैसी नहीं, लेकिन आपको ये सब ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के इस कटिंग को कीजिए। ये देखिए गाइस, मैंने जो ऊपर के बाल हैं जो लिए हुए हैं एक्स्ट्रा में, उन सबको लेके मैं इस तरह तिरछा काट रही हूँ नीचे जो गाइडलाइन है उसी के बराबर कट करते हुए। बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और इस कटिंग को करते रहे, आपकी कटिंग अच्छी ही बनेगी। आप स्टेप कटिंग के नाम से डरिए मत। ये देखिए गाइस, मैंने ऊपर ऊपर की लेयर ली है और इनको कट किया है। अब मैं आ जाती हूँ आगे के बालों पर, तो मैंने ये जस्ट कान के ऊपर दोनों साइड बाल लिए हैं और उन्हें आगे की तरफ लेकर इस तरह सुलझाया है, और थोड़ी लेंथ लॉन्ग लेते हुए मैंने आगे के बाल कट किए हैं। ये देखिए, इसके बाद फिर हमें वापस बीच की मांग के अंदर आ जाना है और जो हमने आगे से बाल कट किए थे ठीक उसी की लेबल में हमें अगली लेयर लेनी है और उसे थोड़ा सा तिरछा काटते हुए नीचे तक लाना है, और फिर उसे उसके बराबर वाले लेयर भी इसी तरह हमें उसमें मिलानी है तिरछी काट के। ये देखिए, पीछे की लेंथ के बराबर हमें कर लेनी है, तो ये हमारा एक साइड का पोर्शन तैयार हो जाता है। अब ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी कटिंग करनी है। ये देखिए, गाइडलाइन के बराबर हम अगली लेयर को लेते हैं, तिरछा काटते हुए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पीछे की कटिंग के बराबर कर लेते हैं। या मैंने ऊपर से थोड़े बाल लिए हैं और उन्हें कट करके ट्रिम किया है। तो देखिए गाइस, मेरी कटिंग लगभग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट कटिंग के अंदर हमें शेप देनी है। आप चाहे तो वी शेप दे सकते हैं या यू शेप भी दे सकते हैं, तो मैंने हल्की सी इनको यू शेप डाली है
उसके बाद मैं कर देती हूँ कटिंग के ऊपर ड्रायर। ड्रायर पर हमें जितना भी बालों में मॉइस्चर है, जो गीलापन है, वो ड्रायर से सुखा लेना है। तो लीजिए गाइस, आज की कटिंग तैयार है।